लिटिल बेटीज, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग मेरी तरह बहुत 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 सारे अच्छे होंगे। तो मैं हूँ आपकी दोस्त होस्ट शिजा, जो कि स्वागत करती है आपका मेरे अपने शो में, जिसका नाम है टॉप 10 बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन एनी टाइम एनीवेयर एवरीवेयर। तो आप 10 प्लेसेस कहीं भी घूम सकते हैं मेरी बताई हुई जगह पे, कभी भी, कहीं भी और किसी भी वक्त। तो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग, आपकी शिजा आज आपको लेके चलती है टॉप 10 बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन इंदौर। जी हाँ, तो आज मैं आपको लेके चलती हूँ इंदौर। तो बिना किसी बात के, बिना किसी बकवास के चलिए शुरू करते हैं, जिसका पहली जगह का नाम है खजराना गणेश मंदिर। जी हाँ, तो जब भी आप जाइएगा खजराना गणेश मंदिर ज़रूर जाइएगा। सबसे पहले, जाने से पहले आपको इंदौर जाके कहीं और विजिट करो, इससे पहले गणेश जी के दर्शन कर लेना, ठीक है? तो चलते हैं खजराना गणेश मंदिर की फ़ोटोज देखते हैं। तो फोटो देखने के बाद अब मैं आपको ले चलती हूँ दूसरी प्लेस पे, जिसका नाम है सराफा बाज़ार। जी हाँ, तो ये जगह ऐसी है सराफा बाज़ार, अगर आपको शॉपिंग करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, मेरी ही तरह बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो ना आप शॉपिंग करने के लिए, तो सराफा बाज़ार ज़रूर जाना। और हाँ, एक टिप देना चाहूँगी सराफा बाज़ार के लिए, वो ये कि पूरा घूम लेना, जब भी जाए शॉपिंग करके तब वापस आना, ठीक है? वरना मुझे कमेंट करके आप बोलोगे कि यार कैसा बाज़ार बताया था, अच्छा ही नहीं लगा। जब पूरा घूम लेना तब कमेंट करना शिजा ये बहुत अच्छी जगह थी बाज़ार एक्चुअली, ठीक है? तो इसकी फोटोज देख लो, फिर मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। तो अब हम चलते हैं नाउ तीसरी प्लेस है राजवाड़ा इंदौर। जिस जगह का नाम ही इतना शाही नवाबी हो, तो वो जगह कितनी ही खूबसूरत और हसीन तरीन होगी, नहीं? तो आपने जब भी जाना है इंदौर के राजवाड़ा ज़रूर से जाना है, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि यस, मैं शाही और नवाबों वाली जगह राजवाड़ा ज़रूर गई थी, और कमेंट करके आपने ज़रूर बताना है कि आपको राजवाड़ा इंदौर यानी कि कैसा लगा इंदौर का राजवाड़ा। तो फोटोज़ देख लो, फिर मुझे कमेंट ज़रूर करना। ओके नाउ, अब हम लोग चलते हैं चौथी प्लेस में, जिसका नाम है पीपलियापला रीजनल पार्क। जी हाँ, बड़ा ही अजीब है, मेरे मुंह से नहीं निकल रहा, वह फिर भी बोल रही हूँ। पीपलियापला रीजनल पार्क, इन शॉर्ट रीजनल पार्क इंदौर का है, आपने जाना है, यहाँ विजिट जरूर करना है। इसकी फोटोज देख लो, कमेंट करके ज़रूर बताना, भूलना नहीं, देख ली? ओके नाउ, अब हम चलते हैं पांचवी प्लेस पे, जिसका नाम है कांच मंदिर। जी हाँ, कांच मंदिर, तो मतलब पूरा मंदिर कांच से बना हुआ है, जाहिर सी बात है कांच मंदिर नाम ही इसलिए रखा गया है। इसके फोटोज देख लो, फिर कमेंट करना। ओके नाउ, अब हम चलते हैं सिक्स्थ प्लेस में, जिसका नाम है ट्रेजर इसलैंड मॉल। ओ माय गॉड, जिस जगह का नाम ही इतना अच्छा है इसलैंड मॉल, तो जब आप वहाँ जाओगे, वहाँ का स्टोरी, वहाँ का स्नैप, वहाँ का इंस्टाग्राम स्टोरी बनाओगे और स्नैप सेंड करोगे, तो कितना अच्छा लगेगा। ओके नाउ, अब हम सेवेंथ प्लेस पे चलते हैं, जिसका नाम है गमतगिरी। तो चलिए, ये देखने में ही इतनी अच्छी है, पॉजिटिव वाइब्स आ रहे हैं फोटोज देख के, बिल्कुल कीप कूल एंड कामिंग टाइप्स लग रही है, नहीं? देखो फोटोज जरा। तो आई होप आप लोगों ने पिछली फोटोज देख ली होंगी। तो आपकी दोस्त होस्ट शिजा एक ही चलती है आपको इंदौर वाइट चर्च। जी हाँ, इंदौर के वाइट चर्च, वैसे तो वाइट चर्चेस बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं सब कहेंगे, बट स्टिल इंदौर का वाइट चर्च बहुत ज़्यादा अच्छा है, और देखते ही मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। एंड नाउ, अब इसकी फोटोज देखते हैं, तो लेट्स गो। और ये वाइट चर्च यार, देखते ही गुड वाइब्स हैं, मतलब वाइट चर्च इतना ब्यूटीफुल, इतना खूबसूरत इंदौर का लग रहा है, मतलब इतनी कामिंग और इतनी शांति और खूबसूरती वाली जगह है, इट्स अनबिलीवेबल। अब आपको आपकी शजा लेके चलते हैं नाइन्थ प्लेस पे, जिस जगह का नाम है इंदौर ज़ू। सो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग चलिए फोटोज देखते हैं। तो मैं जब भी किसी सिटी या कंट्री का वीडियो टॉप 10 शूट करती हूँ, तो मैं हर सिटी कंट्री का ज़ू बताती हूँ, तो उसी तरीके से ये रहा इंदौर का ज़ू। तो अब हम चलते हैं सबसे मेन जगह पे, जो कि है हमारे इंदौर की टॉप 10 की सबसे ज़्यादा। जी हाँ, मैं आपको लेके चलती हूँ गुलावट लोटस वेले। तो ये लोटस वेले का नाम जिस तरह से रखा गया है ना, उसी तरीके से इस पूरे वेले में लोटस ही लोटस है यार। मैं तो ये सोचती हूँ जिस दिन भी मैं गई, और इतने सारे लोटस जब मैं देखूँगी, तो है हाय, मैं तो सिर्फ उन्हीं के स्नैप्स बनाती रहूँगी, सिर्फ लोटस के ही स्नैप्स बनाऊँगी, अपना नहीं, अपनी कुछ भी फोटोशूट नहीं करूँगी, लोटस के बनाऊँगी। मैंने आज तक सीरियसली लोटस नहीं देखा है, रियल में नहीं देखा है, बुक्स में देखा है, मैगजीन्स में देखा है, और इंस्टाग्राम मैंने सोशल साइट्स पे, एंड जियल मैंने। ओके ना, तो अभी गुलाब लोटस वैली की फोटोज देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे बात करते हैं, ठीक है?
देख ली। मुझे भी पता है मेरी तरह आप भी लोटस में इंटरेस्ट रखती हो ना। कमेंट कर देना मुझे, ठीक है, बिकॉज वो पिंक कलर का होता है एंड आई लव पिंक एक्चुअली। ब्लैक लवर थोड़ी थोड़ी हूँ पर पिंक लवर ज़्यादा हूँ, ठीक है। दे अब अपनी दोस्त होस्त शिजा को इजाज़त। जी हाँ, अब ये रहे इंदौर के टॉप टेंस। अगर आपको इसमें से कोई भी एक जगह इंदौर के टॉप टेंस में से अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट नाओ। मैं आपके एक एक कमेंट का बहुत बहुत बेसब्री से इंतज़ार करती हूँ। आपको कोई भी टॉप टेन अच्छा लगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर करना, और आप इन सब जगहों के बारे में जानते थे या नहीं वो भी मुझे कमेंट करना। और अगर आप ये चाहते हो मैं आपके सिटीज़ के टॉप टेंस बनाऊँ तो प्लीज़ मुझे अपनी सिटी कमेंट ज़रूर करो। मैं इंशाल्लाह पूरी पूरी कोशिश करूँगी आपके सिटीज़ के टॉप टेन बनाने की। और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो। बाय, ऑलवेज़ बी हैप्पी।